Hello all and welcome to our channel Holistic Facts. Let's start with the Hindu News Analysis dated 26th August 2019. तो पहली हमारी आज की न्यूज़ है मनमोहन सिंह सेट टू लूज एसपीजी कवर. पहले हम एसपीजी के बारे में देख लेते हैं फिर पूरी न्यूज़ देख लेंगे. एसपीजी इज स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है. इसको 1985 में बनाया गया था और 1988 में एसपीजी एक्ट के अंडर स्टेट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया था. और ये क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू पीएम एंड फॉर्मर पीएम्स एंड देयर इमीडिएट फैमिलीज. इंदिरा गांधी इनका जब असैसिनेशन हुआ था 1984 में, उसके बाद ये ग्रुप बनाया गया था. इट इज़ अ स्पेशल फोर्सेस ग्रुप, ठीक है. और 1991 में एक अमेंडमेंट लाया गया था. ये किया गया था राजीव गांधी इनके असैसिनेशन के बाद, क्योंकि राजीव गांधी का असैसिनेशन जब कब हुआ था, जब एसपीजी उनको अलॉटेड नहीं था. उस समय उनके पास पीएम का स्टेटस नहीं था, वो कैंपेनिंग कर रहे थे और उस वक्त उनके ऊपर हमला हुआ और उन्हें बचाया नहीं जा सका था. तो इसी के चलते हुए एक अमेंडमेंट लाया गया था जिसके अंडर फॉर्मर पीएम्स को भी, मतलब करंट पीएम को तो करेंगे ही प्रोटेक्ट, पर फॉर्मर पीएम्स और उनकी फैमिलीज को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये अमेंडमेंट लाया गया था. और अगर एसपीजी ये जो सिक्योरिटी है किसी की अगर हटानी है तो उसके लिए 3 मंथ रिव्यू प्रोसेस है. उसके अंडर ये भी देखा जाता है कि वो एलिजिबल है या नहीं, ये तो देखा ही जाता है. प्लस ये भी देखा जाता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को अभी थ्रेट परसेप्शन कितना है, ठीक है, थ्रेट के चांसेस कितने हैं, या फिर पिछले कुछ सालों में ऐसा कुछ हुआ है कि हमें एसपीजी कंटिन्यू करना पड़े. अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो एसपीजी को डिसकंटिन्यू किया जाएगा. और करंटली 3500 पर्सनल एसपीजी के सर्विस में है. और वैसे देखा जाए तो काफ़ी एक्सपेंसिव सिक्योरिटी है ये, ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पीएम को प्रोटेक्ट करती है. अभी हम न्यूज़ के तरफ आते हैं. तो जो हमारे फॉर्मर पीएम है मनमोहन सिंह जी, ठीक है, इनकी जो एसपीजी प्रोटेक्शन है इनका, ये निकाले जाने की बात चल रही है. तो इसके लिए भी ऑब्वियसली प्रोसीजर के हिसाब से एक कमेटी बैठी थी, ठीक है. इसका असेसमेंट हुआ है पूरा, ठीक है. और जब अगर ये एसपीजी प्रोटेक्शन फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह इनसे हट जाए तो सिर्फ द फॉर्मर पीएम प्राइम मिनिस्टर्स एंड देयर फैमिलीज वुड नाउ बी टास्क विद प्रोटेक्टिंग ओनली मिस्टर मोदी, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी एंड हर चिल्ड्रन राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी वाड्रा. सिर्फ इतने लोग बचेंगे एसपीजी को प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है. तो एसपीजी इतने लोगों को प्रोटेक्शन देगा. देन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स लेड डाउन बाय एसपीजी एक्ट ऑफ 1988, डॉक्टर सिंह इनकी एसपीजी जो है इनकी डिटेल रिन्यू किए गए थे फॉर अ ईयर आफ्टर ही डिमिटेड ऑफिस इन 2014, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली ऑन एन एनुअल बेसिस. तो ये एनुअल बेसिस पे रिन्यू कराया जाता है जो प्रोटेक्शन है वो फॉर्मर पीएम्स का, ठीक है. और उनको जो थ्रेट्स फेस्ड है उनको वो रिव्यू किए जाते हैं, ठीक है. और इनके डॉटर्स वगैरह भी थे इसके लिए एलिजिबल जिन्होंने वॉलेंटरीली एसपीजी कवर को गिव अप कर दिया था. तो एसपीजी के बारे में, एसपीजीज के बारे में आप अच्छे से ध्यान में रखिए, ठीक है. देन मन की बात जो मंथली एड्रेस करते हैं हमारे पीएम नेशन को, उसमें उन्होंने बोला है कि अभी 2nd of October आ रहा है, ठीक है. तो गांधी जी के स्मरण में स्वच्छता ही सेवा इस कैंपेन को शुरू करना है. लास्ट ईयर भी ये कैंपेन हुई थी, तो इस साल सितंबर 11 से ये कैंपेन शुरू हो जाएगी, 2 अक्टूबर तक चलेगा. इसमें आपको स्वच्छता के तरफ श्रमदान करना है, ठीक है. और एक और एडिशन इसमें यहाँ पे ये बोला गया है कि प्लास्टिक जो है उसके अगेंस्ट हमें वॉर करना है. प्लास्टिक हम जानते हैं कि कितनी बड़ी थ्रेट है अभी हमारे एनवायरनमेंट के लिए और ह्यूमन काइंड के लिए और बाकी एनिमल्स के लिए भी. तो इनोवेटिव सॉल्यूशंस जितने ज़्यादा आप ला सके प्लास्टिक कम करने के लिए, और जो भी एनजीओज या फिर कॉरपोरेशंस है उनको बोला गया है कि प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको डिस्पोज ऑफ कर सके एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में दिवाली तक, ठीक है. ये सारी चीज़ें अडॉप्ट की जाएगी. फिर पीवी सिंधु जो हमारी बैडमिंटन चैम्पियन है, ठीक है, इन्होंने जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसकी चैम्पियनशिप जीती है कल ही, ठीक है. जो जापानीज नोजोमी ओकुहारा था उनको हरा के इन्होंने जीती है. कॉन्सिक्यूटिवली 2 साल से ये फाइनल्स में जा रही थी पर जीत नहीं पा रही थी, तो फाइनली इस तीसरे साल में इन्होंने फाइनल्स भी जीत लिए हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू लॉ टू कर्ब लिंचिंग अनलाइकली. तो हम जानते हैं कि मॉब लिंचिंग अभी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया में, ठीक है. वो कम्युनल बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे, ठीक है, आइडियोलॉजी के बेसिस पे बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें प्रिवेलेंट है, ठीक है. बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि नए लॉज यहाँ पे नहीं ला जाएंगे, ठीक है. होम मिनिस्टर ने भी बोला है कि नए लॉज लाने की ज़रूरत नहीं है, रादर हमें यहाँ पे जो ऑलरेडी लॉज है उनको एनफोर्स करने की ज़रूरत है,
ठीक है, तो जो ऑलरेडी लॉज है उसमें बार बार जो एक मेंशन किया जाता है वो है आर्टिकल 153A ऑफ इंडियन पीनल कोड, जिसका टाइटल है प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है कि इसका एम्बिट थोड़ा वाइड रखा है, इसमें ऐड की जा सकती है चीज़ें, एंड डूइंग एक्ट्स प्रिजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ हारमनी। तो इस एक्ट के अंडर वही बात है कि जो भी जो रिलीजियस हो जाए, कम्युनल हो जाए, ऐसी हारमनी को हर्ट करने वाले जो भी पीपल होंगे, मॉब्स होगा या फिर इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है, उनके अगेंस्ट एक्शन ली जा रही है, ली जा सकती है। तो ये स्पेसिफिकली मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, बट ये उस टाइप के प्रोविजंस देता है। अदर देन दैट, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि राजस्थान असेंबली ने अभी पास किया था राजस्थान प्रोटेक्शन बिल फ्रॉम लिंचिंग, ठीक है, उसके अंडर लाइफ इंप्रिजनमेंट और फाइन ऑफ 5 लाख रुपीज़ है जो भी कन्विक्ट होंगे लिंचिंग के अगेंस्ट, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी स्टेट लॉज अपने यहाँ प्रेजेंट है, मणिपुर में भी स्टेट लॉ है, बट सेंटर का नया लॉ लाने की भी ज़रूरत नहीं, ऐसी बात बोली जा रही है। सॉरी, देन नेक्स्ट हम देखते हैं, अ यंग बायोलॉजिस्ट रिक्रिएट्स ब्लू व्हेल फ्रॉम बोन्स। तो ये जो ब्लू व्हेल्स है, ठीक है, जायंट मैमल्स इनको बोला जाता है, ठीक है, सबसे बड़ी मैमल स्पीशीज है ब्लू व्हेल, ठीक है, ये भी आप याद रखिए। तो ये एक IUCN के अंडर ये एक एंडेंजर्ड स्पीशी है, ठीक है, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है उसके शेड्यूल 1 में आता है। शेड्यूल 1 मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इनको दिया जाता है, ठीक है। तो आए दिन अपन न्यूज़ सुनते ही रहते हैं कि शोर पे वॉश होके आती है ये जो ब्लू व्हेल्स है, फिर अंदर नहीं जा पाती है और हीट के वजह से और डिहाइड्रेशन के वजह से वहाँ पे मर जाती है। तो ऐसे ही हो रहा था, इसी के चलते हुए एक स्टूडेंट ने बोन्स से पूरा ब्लू व्हेल को रिक्रिएट किया है, जिससे हमें स्टडीज़ में हेल्प होगी, और स्टडीज़ में हेल्प होगी तो कंजर्वेशन में भी हेल्प होगी। तो आप ये भी सबसे इंपॉर्टेंटली तो ये ध्यान में रखिए कि इट इज़ अ एंडेंजर्ड स्पीशीज अंडर IUCN रेड लिस्ट, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया के अंडर इट इज इन शेड्यूल 1, और शेड्यूल 1 मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। फिर यहाँ हम आते हैं नेशनल न्यूज की तरफ, NGT सीक्स टाइमलाइन फॉर क्लीनिंग यमुना रिवर। अब हम जानते हैं कि गंगा की जो भी ट्रिब्यूटरीज है और गंगा का जो मेन स्टेम है, इन सबको क्लीन करने के लिए एक बहुत फास्ट ड्राइव चल रहा है। तो उसी के अंडर NGT ने बोला है कि क्लीनिंग ऑफ यमुना रिवर के लिए हमें एक टाइमलाइन चाहिए, क्योंकि बहुत स्लो काम चल रहा है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, और ये पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है। तो NGT के बारे में अपन यहाँ पे देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड बॉडी सेट अप अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010। तो क्या मतलब, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, और जो भी एनवायरमेंटल रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनको वो क्विकली डिस्पोज ऑफ करती है, ठीक है, और उस पर सोल्यूशन और जो भी क्या बोल सकते हैं मैंडेट्स है, ठीक है, वो बताने का काम NGT करता है। एंड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NGT, इंडिया बिकेम द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेट अप अ स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल। तो ये एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल है, आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इंडिया इज द थर्ड कंट्री, ठीक है, एंड NGT इज मैंडेटेड टू मेक अ डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन और अपील्स फाइनली विद इन 6 मंथ्स ऑफ फाइलिंग द सेम, ठीक है। तो 6 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करने जो भी केसेज उनके पास आती है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है इसका, एंड बींग स्टेटरी एडुकेटरी बॉडी लाइक कोर्ट्स, अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन साइड ऑन फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, NGT ऑल्सो हैज अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो NGT का जो भी ऑर्डर होगा उसी के अगेंस्ट वहाँ पे अपील भी की जा सकती है। तो इट विल हियर दी अपील। देन ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेट डाउन अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ऑफ 1908, बट इट इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ना, उसके अंडर भी NGT बाउंड नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखिए। दो के अंडर, सिविल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, उन दोनों वो दोनों ही लागू नहीं होते हैं NGT को। NGT फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। 2010 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, याद रखिए, स्टेट्यूटरी बॉडी है। देन CSIR टू सर्टिफाई एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हैज़ टास्क्ड द CSIR, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, की जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी आर्म है, विथ सर्टिफाइंग एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो स्टेट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, क्योंकि क्लीन एयर कैंपेन है, नेशनल क्लीन एयर कैंपेन, ठीक है, वो चल रहा है, उसके अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की मांग बहुत ज़्यादा है। और करंटली क्या होता है, एक तो हमारा मैंडेट है, ठीक है, सेंटर ने जनवरी में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था टू रिड्यूस पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन बाय 22
30% इन एटलीस्ट 102 सिटीज़, जो 102 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें बाय 2024। अब ऐसे सारे इनिशिएटिव्स को अगर आपको अंजाम देना है, ठीक है, इनको अगर आपको कल्मिनेट करना है, तो इसके लिए प्रॉपर डेटा की ज़रूरत है, और प्रॉपर डेटा कलेक्शन के लिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है। और करंटली जो भी CPCB दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, या फिर SPCB है जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है, वो इम्पोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बोला है दे कॉस्ट अप टू 1 करोड़ और उनका मेंटेनेंस है अप टू 50 लाख फॉर 5 ईयर्स। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए बोला गया है कि अब CSIR को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो खुद ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को सर्टिफाई करें। तो CSIR के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। CSIR वैसे हम जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू इनका ब्रेन चाइल्ड था, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 26 सितंबर 1942। इसका चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं और हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी एंड द लार्जेस्ट रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। 37 एक्चुअली इसमें डिस्क्रिपेंसीज चलती रहती है, कुछ बोलते हैं 37, कुछ बोलते हैं 38 लेबॉरेटरीज हैं एंड 39 फील्ड स्टेशंस और एक्सटेंशन सेंटर्स हैं। देन ऑल्दो इट इज़ मेनली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट ऑपरेट्स एज एन ऑटोनॉमस बॉडी रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1860। अब देखिए, अब जहाँ पे भी एक्ट बोला है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बॉडी स्टेट्यूटरी है, ठीक है। तो CSIR जो है वो रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1860, इस एक्ट से वो बनी नहीं है, इसलिए वो स्टैट्यूटरी नहीं है, ठीक है। देन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ CSIR इंक्लूड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ओशन साइंसेस, साइंस रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें, उसका मेन विंग CSIR में है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि CPCB क्या है, वो एक क्विकली देख लेते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, ये एपेक्स पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी है। 1974 में वो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश की गई थी। तो इट इज़ अ स्टेट्यूटरी बॉडी और कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन CPCB इज ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द पावर्स एंड फंक्शंस अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981, ठीक है। एपेक्स बॉडी है और स्टेट्यूटरी बॉडी है, याद रखिए। फिर यहाँ पे हम आते हैं, चिल्ड्रन इन माइका माइनिंग एरियाज अबैंडनिंग एजुकेशन, ठीक है। तो पहले यहाँ पे कुछ पता करने वाले फैक्ट्स ऐसे हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ माइका, विद झारखंड एंड बिहार बीइंग द मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ठीक है। झारखंड और बिहार मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट है और इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स। और माइका अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि बिल्डिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और कॉस्मेटिक्स है। अभी कॉस्मेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करने लग गए हैं। तो यहाँ पे अभी प्रॉब्लम ऐसी ही है कि एक सर्वे हुआ था नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। इन्होंने ये सर्वे किया था और उन्होंने बोला था कि यहाँ पे मोर देन 22,000 चिल्ड्रन है विच आर एम्प्लॉयड एज चाइल्ड लेबरर्स इन द माइका माइनिंग एरियाज ऑफ झारखंड एंड बिहार, जो हमारे सबसे बड़े माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीजंस क्या है अभी, अब ऐसा नहीं है ना कि किसी को अगर पता है कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है और वो फिर भी एजुकेशन नहीं लेंगे। यहाँ के लोग इतने ज़्यादा इन सारी चीज़ों से दूर है कि इनको कलेक्टिंग स्क्रैप्स ये एक प्रिफर्ड एक्टिविटी है देन एजुकेशन। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को भी पता है कि अब ये स्क्रैप्स कलेक्ट करेंगे तो इनकम में इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि स्क्रैप्स बेचो तो पैसे मिल रहे हैं और फिर इनकी लाइफ सस्टेन हो जाएगी, ठीक है। अब इनको एजुकेशन का उतना ज़्यादा अभी तक इंपॉर्टेंस नहीं पता है तो वो कैसे भेजेंगे अपने बच्चों को, राइट। तो वही बात है। तो अभी इसमें सोल्यूशन में अब यही बताया जा रहा है कि सप्लाई चेन जो है उसको हमें टारगेट करना चाहिए, इंडस्ट्री को चाइल्ड लेबर से मुक्त करना चाहिए, और जो भी बच्चों से जहाँ पे भी चाइल्ड लेबर यूज़ हो रहा है वहाँ से अगर कोई मायका खरीद रहा है तो उन पे प्यूनिटिव एक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम NCPCR के बारे में भी एक बार देख लेते हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, इट वॉज सेट अप इन 2007 अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट ऑफ 2005। तो ये क्योंकि अंडर दिस एक्ट बनाई गई थी, दिस इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी। देन इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड डिफेंड चाइल्ड राइट्स इन इंडिया, इंक्लूडिंग राइट्स अडॉप्टेड इन द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन 1989 इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। देन ये पर्टिकुलर कन्वेंशन इंडिया ने रेटिफाई किया था 1992 में, और दिस कन्वेंशन डिफाइंस चाइल्ड एज अ ह्यूमन बीइंग बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। एंड देन इट फॉल्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट,
और चाइल्ड यहाँ पे भी डिफाइन किया गया है अ पर्सन इन 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए CPCR के बारे में। अब आते हैं हम एडिटोरियल्स के तरफ। अब ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है ऑन द रॉन्ग साइड, ये है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अभी जो स्टेटमेंट है उसके बारे में है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रेस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, कम्युनिकेशन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ठीक है, उसको गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे ऑथर का यही कहना है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मैंडेट ही ये बोलता है कि आपको डेमोक्रेसी प्रमोट करनी है, आपको फ्री प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस आपको प्रमोट करना है, और आप यहाँ पे गवर्नमेंट को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो PCI एक्सप्लेन्स इन इट्स रीजन डिट्रे। ठीक है, रीजन डिट्रे मतलब वही इनके प्रिंसिपल्स में ही है कि रूटेड इन द कंसेप्ट दैट इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी द प्रेस नीड्स एट वंस टू बी फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लाइक एनी अदर फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, बट ऑपरेटिव वर्ड इज रीजनेबल। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हमारे यहाँ हर एक चीज़ पर, हम जानते हैं किसी भी तरीके का कंप्लीट फ्रीडम नहीं होता है, बट देन वॉट इज रीजनेबल, ये वर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो PCI को भी इस पे ही फोकस करना चाहिए था। ऑथर का ये कहना है कि ये जो पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस है जिसको PCI सपोर्ट कर रहा है, आर दे रीजनेबल। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें बोली गई है, थोड़ा सा बैशिंग किया है कि किस तरीके से PCI को ये सपोर्ट नहीं किया करा किया करना चाहिए था, सॉरी। देन इन कंक्लूजन ये भी बोला है कि मीडिया इज ऑफन कॉल्ड अपॉन बाय द स्टेट टू प्रिविलेज अ नैरोली डिफाइंड नेशनल इंटरेस्ट ओवर ट्रूथफुल रिपोर्टिंग। तो ये मीडिया का किस तरीके से मिसयूज होता है उसको बोला गया है। देन प्रोफेशनल मीडिया इन अ डेमोक्रेसी मस्ट व्यू ट्रूथफुल रिपोर्टिंग इन इटसेल्फ एज इन नेशनल इंटरेस्ट। द PCI मस्ट प्ले इट्स मैंडेट रोल एंड नॉट नो टू टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे। रादर देन गवर्नमेंट ऑफ द डे को फॉलो करने से अच्छा है कि अपना जो मैंडेट है उसको स्टिक करे और फ्री प्रेस जो है उसको प्रमोट करे। और मीडिया का भी यही काम है कि हम जो बोलते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट, तो मीडिया को ये समझना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट यही है कि वो ट्रूथफुली चीज़ों को रिपोर्ट करे, लोगों तक पहुंचाए। यहाँ पे हम PCI के बारे में बस थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, एंड इट गवर्न्स द कंडक्ट ऑफ प्रिंट मीडिया। और प्रेजेंटली द काउंसिल फंक्शंस अंडर द प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1978, ठीक है, जो कि सेकेंड प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किए थे। देन इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी एंड इट एक्ट्स एज वॉच डॉग ऑफ द प्रेस, इंडियन प्रेस। ठीक है, इट एडजुडिकेट्स द कंप्लेन्ट्स अगेंस्ट एंड बाई द प्रेस फॉर वायलेशन ऑफ एथिक्स एंड फॉर वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस रिस्पेक्टिवली। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेटूटरी बॉडी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिए। देन अंडर द कवर ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, यहाँ पे हम आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू सिंपली बता देती हूँ क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आर्टिकल्स जो है अभी देख लिया है। यहाँ पे एक नई बात जो बस बताई गई है वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर का अभी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, तो जो आर्टिकल 370 के अंडर 92 सेक्शन था उसमें गवर्नर्स रूल को मेंशन किया गया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वहाँ की वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट नहीं करती है, ठीक है, जो प्रॉपरली एक्ट नहीं अगर कर पा रही है, वहाँ की असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं कर पा रही है, ऐसे केस में गवर्नर्स रूल लागू होता है। और हम जानते हैं कि जून 2018 में गवर्नर्स रूल जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया था। बट गवर्नर रूल लागू होने के 6 मंथ्स के अंडर, ठीक है, अगर असेंबली डिसॉल्व नहीं होती है। अब असेंबली डिसॉल्व होने का क्या मतलब है कि असेंबली आप जानते हैं कि इट विल नॉट फंक्शन, अब गवर्नमेंट यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, ऐसे केस में असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी और फ्रेश इलेक्शंस लिए जाएंगे। बट अगर 6 मंथ्स के अंडर असेंबली डिसॉल्व नहीं की है तो फिर वहाँ पे लग जाता है प्रेसिडेंट्स रूल, और फिर अब आ जाता है डायरेक्ट सेंटर का कंट्रोल वहाँ पे। तो वहाँ पे दिसंबर 2018 में प्रेसिडेंट्स रूल लाया गया था जिसको सेंट्रल रूल भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे बस यही एक नई बात थी कि क्योंकि अब प्रेसिडेंट्स रूल ला लिया गया था तो जो सारी चीज़ें की गई थी, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर को लेजिस्लेटिव असेंबली रीड करना था, ठीक है, तो अभी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, लेजिस्लेटिव असेंबली है। देन पैसेज ऑफ अ स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन जिसने बोला कि आर्टिकल 370 इनऑपरेटिव है। देन अडॉप्शन ऑफ कश्मीर, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल ऑफ 2019, ठीक है, और जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन था 6 अगस्त के मिडनाइट का कि 370 इज इनऑपरेटिव, ये सारा वहाँ पे ये इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि
वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लागू था, क्योंकि हम जानते हैं कि अब तक, अब नहीं है पर अब तक जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसमें ये भी एक मैंडेट है कि जो भी आप जम्मू कश्मीर से रिलेटेड डिसीजंस लेंगे उसमें जो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका ओपिनियन और उसका कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। बट क्योंकि अब वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल था और हम जानते हैं कि अभी रिसेंटली वहाँ पे सत्यमाल मलिक जो थे वहाँ पे अपॉइंटेड, उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था, गवर्नर थे वहाँ के और उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था ये बोल के कि यहाँ पे कोई भी पार्टी मेजोरिटी प्रूव करके गवर्नमेंट बनाने की हालत में नहीं है। तो अब वहाँ पे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं है, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है और सिर्फ प्रेसिडेंट रूल है, तब जाके ये सारी चीज़ें करना पॉसिबल हुआ, ठीक है, और तब जाके स्मूथली बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने कर ली है। देन यहाँ पे हम देखते हैं करेंसी केपर्स, तो ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है अब हम जानते हैं कल ही आया था कि रूपी फिर से डिवैल्यू हो गया है, डिप्रिशिएट हो गया है, ठीक है। कुछ एक महीना था कि रिलेटिव स्टेबिलिटी थी रूपी को, बट अब फिर से वो वीक हो चुका है। इट हैज़ वीकेंड बाय लिटिल ओवर 4% सिंस मिड जुलाई एंड ऑन फ्राइडे नज द 72 मार्क टूअर्ड डॉलर बिफोर रिट्रैक्टिंग इट्स स्टेप। 72 मार्क्स पे रूपी फॉल हुआ है, बट उसके बाद भी थोड़ा सा गेन हुआ था, बट वही है कि लोएस्ट अभी चला गया था 72 मतलब। तो क्यों हुआ था ये, तो बात ऐसे कि जो भी इमर्जिंग मार्केट्स है उन सब की ही करेंसीज है जो है वो वीक हो रही है। वन ऑफ द रीज़न इनमें यूएस से चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ठीक है, उनके वजह से उनकी जो पॉलिसीज चल रही है वो भी एक इसमें रीज़न है। तो जो टर्किश लायरा या फिर ब्राज़ीलियन रियाल, साउथ अफ्रीकन रैंड एंड मेक्सिकन पेसो, ये सारे ही जो है वो फॉल हुए हैं, ठीक है। देन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रिगर हियर वॉज चाइनाज डिवैल्यूएशन ऑफ युआन, चाइना ने खुद से करेंसी डिवैल्यूएशन किया है। हमने भी किया था इसके पहले, ठीक है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे 2 बार हुआ है, सॉरी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे 1 बार हुआ है और उसके बाद फिर से 1 बार हुआ था, करेंसी डिवैल्यूएशन किया था हमने। करेंसी डिवैल्यू करते हैं हम तो क्या होता है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं बाहर की इकोनॉमीज को, क्योंकि उनको अपनी, अब जैसे कम डॉलर्स देने पड़ेंगे, ठीक है, सॉरी रूपी में अगर कुछ खरीदना है तो एक्सपोर्ट्स जो है वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो अभी चाइनीज युआन जो है वो डिवैल्यू कर दिया था चाइना ने, ठीक है, और उसके चलते हुए बाकी की करेंसीज डिप्लीट हो गई हैं। और वही बात है कि यहाँ पे बोला गया है कि व्हेन यील्ड्स ऑन 10 ईयर बॉन्ड्स फेल बिलो द 2 ईयर नोट सिग्नलिंग मार्केट्स फियर ऑफ रिसेशन इन यूएस इकोनॉमी। तो यूएस में क्या हुआ है कि जो बॉन्ड यील्ड्स है वो फेल हो चुकी थी, ठीक है, वो गिर चुकी थी, बॉन्ड यील्ड्स गिर चुकी थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो 10 ईयर के अगर बॉन्ड्स है तो वो 2 साल में लोएस्ट यील्ड दे रहे थे अभी, राइट। तो इसके वजह से क्या सोचा जा रहा था कि इकोनॉमी पे जो भी मार्केट है उस पर बहुत ज़्यादा चाइना की वजह से फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि चाइना के मूव के बाद ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। वाइल देर इज नो डेटा इन सपोर्ट ऑफ सच फियर एज ऑफ नाउ, ट्रेड स्पैट विथ चाइना सीम्स टू बी गिविंग द जिटर, ठीक है। अब बस यहाँ पे ये बोला है कि ये जो रूपी फॉल है, आरबीआई भी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने भी कुछ बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिसकंटेंट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि बहुत एक अलार्मिंग चीज़ फिलहाल अपने लिए नहीं है ये। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है काफ़ी कम है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब होता है कि जो हमारे इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का डिफरेंस है, तो करंटली हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट लिमिटेड है, ठीक है, एक्सेप्टेबल डिफिसिट है। और हमारे पास फॉरेक्स जो है वो भी सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, हमारे पास पहले जितना भी होता था उससे हाईएस्ट अभी है, 430 बिलियन डॉलर्स पे है, ठीक है। और ये बोला जा रहा है अगेन द सेम थिंग कि फॉल इन रूपी विल मेक इंडियाज एक्सपोर्ट्स कम्पिटिटिव, ठीक है, एंड इफ इकोनॉमीज ऑफन कंप्लेन दैट रूपी इज ओवर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट मेकिंग एक्सपोर्ट्स अनकम्पिटिटिव। तो एक्सचेंज रेट के हिसाब से रूपी को वैसे भी ओवर वैल्यू किया जा रहा है, ऐसे इकोनॉमिस्ट का कहना था। तो अगर रूपी की वैल्यू फॉल हो रही है तो हमारे एक्सपोर्ट के लिए इट विल बी हेल्पफुल, इट विल मेक आर एक्सपोर्ट्स कम्पिटिटिव। और आरबीआई जो है वो अभी ऐसे कम्फर्टेबल पोजिशन पे है कि अगर एक्सट्रीम कोई सिचुएशन आती है रूपी के मामले में तो इट कैन इंटरवीन। बट करंटली आरबीआई को भी ऐसी ज़रूरत नहीं लग रही है कि कुछ इंटरवीन करना चाहिए, कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन अभी नहीं है अगर रूपी फॉल भी हो रहा है तो। देन हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं, प्राइवेसी नो लॉन्गर सुप्रीम। तो 2 साल हुए हैं जो केएस पुट्टस्वामी केस आया था 2018 में, सॉरी 2017 में, और वहाँ पे बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन,
ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर राइट है, अब जैसे कि मैंने बोला था कि हर एक चीज़ अपने यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पे आती है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, तो तीन क्राइटेरियाज दिए थे, तीन चीज़ों की तीन टेस्ट हैं जिनको पास अगर करें तो पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। फर्स्ट, सच स्टेट एक्शन मस्ट हैव अ लेजिस्लेटिव मैंडेट। सेकेंड, इट मस्ट बी परस्यूइंग लेजिटिमेट स्टेट पर्पज। एंड थर्ड, इट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनेट का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं था, तब जाके आपने डिसाइड किया है कि ये पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। अगर कोई माइल्डर ऑप्शन अवेलेबल था और फिर भी आप रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो तो वैसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो द जजमेंट इन जस्टिस केस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फंडामेंटली चेंज द वे इन विच द गवर्नमेंट व्यूड इट्स सिटीजन्स प्राइवेसी बोथ इन प्रैक्टिस एंड इन परसेप्शन। तो अगर हम इसको लिटरली हम देखें कि ये एक 100% तरीके से इसको क्या बोल सकते हैं एनफोर्स किया जा रहा है, इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट को, कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन, तो हम एक यूटोपिया में जी रहे होंगे, ठीक है। किसी के भी प्राइवेसी पे कभी भी स्टेट जो है वो एनक्रोच नहीं कर सकता है। तीनों स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो किया जाएगा जब कोई भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लाने हैं, ठीक है। बट अभी हम जानते हैं कि ये प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा है, राइट। द लॉ ऑल्सो रिकोगनाइज एंड प्रोस्क्राइब्ड द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एक्सेस टू इसेंशियल सर्विसेज कंटीजन ऑन सिटीजन पार्टिंग विद इरेलीवेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ये भी एक उस यूटोपिया का एक पार्ट है। एक्चुअली इसको यूटोपिया भी नहीं बोल सकते, ये फॉलो किया जा सकता था अगर हम प्रॉपरली इस लॉ को फॉलो करते थे तो, ठीक है। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो भी इंफॉर्मेशन अगर कोई सिटीजन मांग रहा है, ठीक है, कोई क्वेरी है, ठीक है, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होता है उसको अलग करके जो भी सिर्फ रिलेवेंट चीज़ है उसको शेयर करना, ठीक है, या फिर वो डेटा एक्वायर करना, ये सारी चीज़ें भी उसमें हो सकती थी, पर ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए पूरा वो एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से अगर हम फॉलो करते तो सब अच्छा होता था, बट इट डिड द एग्जैक्ट ऑपोजिट। द जजमेंट इन केस पुट्टस्वामी इफेक्टेड लिटिल चेंज इन द गवर्नमेंट्स थिंकिंग और प्रैक्टिस एज इट रिलेटेड टू प्राइवेसी एंड पर्सनल डेटा ऑफ द सिटीजन, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी को हमेशा एक रीज़न बोल के जो है वो प्राइवेसी पे कर्ब किया जा रहा है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन दिसंबर लास्ट ईयर ऑथोराइज 10 सेंट्रल एजेंसीज टू इंटरसेप्ट, मॉनिटर एंड डिक्रिप्ट एनी इन्फॉर्मेशन जनरेटेड, ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड और स्टोर्ड, ठीक है, इन एनी कंप्यूटर इन द कंट्री। तो अब क्या हो गया, ये तो प्राइवेसी पे ही आ गया ना पूरा। बस रीज़न क्या बता दिया है कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, ठीक है। अदर देन दैट एक सोशल मीडिया के ऊपर भी आ रहा था कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हब बनाएंगे, ठीक है, और इसके अंडर जो भी सोशल मीडिया से रिलेटेड ईमेल्स है, जो भी एक्टिविटीज़ है, कम्युनिकेशन है, उनको फॉलो किया जाएगा। अब इस पे भी यही बोला गया था कि सोशल मीडिया का यूज़ करके लोग हेटरेड फैलाते हैं, हेट क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमें सोशल मीडिया को मॉनिटर करना है। बट वही है कि सुप्रीम कोर्ट के वजह से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया था, ठीक है। देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी प्रोजेक्ट इनसाइट जो है वो भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है कि ओवर सर्वेलेंस करना और हर एक तरीके का डेटा कलेक्ट करना, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो हमें बताता है कि किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी को आगे करके गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेसी पे इंक्रोच करने की कोशिश करते रहता है। तो जो एक्चुअल लॉ था उसको फॉलो नहीं हो रहा था, किया नहीं जा रहा था। देन डेटा यूज वर्सेस प्राइवेसी। अब बात यही है कि जो पर्सनल डेटा है वो एक पर्सनल राइट के तरह ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, एक व्यक्ति का वो राइट है, उसके तरह इसको ट्रीट करना चाहिए। और दूसरा वे ट्रीट करने का है कि डेटा को आप ट्रीट कर रहे हो एज अ पब्लिक गुड एंड एज अ डेटा इज द न्यू ऑयल, ठीक है। डेटा इज द न्यू ऑयल बोला जाता है कि डेटा ही सब कुछ है अभी, ठीक है, और डेटा कैन बी यूज फॉर पब्लिक गुड, जो कि बात सही है। डेटा इज द न्यू ऑयल और डेटा कैन बी यूज फॉर पब्लिक गुड, बट नॉट ऑल डेटा, ठीक है। जो सिटीजन की प्राइवेसी पे बात आती है उसमें ये जो तीन स्टेप्स बताए गए थे वो फॉलो करने के बाद ही आप बोल सकते हो कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो पब्लिक गुड के लिए है, इसलिए ये करनी पड़ रही है। तो कभी भी ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि आप कभी भी एक सिटीजन की प्राइवेसी को एज अ पर्सनल राइट ट्रीट नहीं करोगे, ठीक है। तो यही बात बोली गई है यहाँ पे। ऑथर का ये कहना है कि ही होप्स कि जो पुट्टस्वामी का जजमेंट था यहाँ पे, ठीक है, पुट्टस्वामी केस में जो जजमेंट था उसको फॉलो किया जाए, कभी ना कभी उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। देन यहाँ पे हम आते हैं, अच्छा आर्टिकल था ये बहुत ज़्यादा, अ बॉटम अप अप्रोच टू कॉन्जर्वेशन। तो माधव गाडगिल, ये जो है हम जानते हैं, जो गाडगिल कमिटी आई थी वेस्टर्न घाट्स के ऊपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रही थी ये लास्ट ईयर।
उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे कि कैसे वेस्टर्न घाट्स एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जोन है, ठीक है, वहाँ बहुत डिजास्टर प्रोन एरिया है, वो इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो किस तरीके के हमें मेजर्स लिए जाने चाहिए। बट हम जानते हैं कि इकोनॉमिक अपने प्रोस्पेक्ट्स बढ़ाने के लिए जो कुछ स्टेट्स थे जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन्होंने मना किया था इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए। और हम जानते हैं कि इसी के चलते 2018 में हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हेवी रेन्स जब हुए थे तो बहुत ज़्यादा लोगों का वहाँ पे नुकसान हुआ था, ठीक है, मॉनेटरी नुकसान हुआ था, लोगों की जानें भी गई थी, लैंडस्लाइड्स और मडस्लाइड्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है, पेरियार रिवर जो था वो बहुत फ्लड हो गया था, ठीक है, वहाँ पे हर जगह पे फ्लडिंग था। और ये माना जा रहा था कि वो इट वाज अ वंस इन अ सेंचुरी इवेंट, ठीक है, बट हम जानते हैं कि 2019 में, मतलब इस बार भी सेम चीज़ हुई है, बहुत ज़्यादा फ्लड हुए हैं वहाँ पे, लोग बहुत भारी मात्रा में डिस्प्लेस हुए हैं, जिसको कि वंस इन अ 10,000 ईयर इवेंट बोला जा रहा था कि 2 साल कॉन्जिक्यूटिवली ऐसी चीज़ हो, पर ये हो रही है ना। तो वही है वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, जिसको माधव गाडगे इन्होंने चेयर किया था, ठीक है, इसमें उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे जो फॉलो नहीं किए गए थे। अब इनका यही कहना है कि हमने जो रिकमेंडेशंस दिए थे उससे ऑब्वियसली जो इंटेंस रेनफॉल है वो नहीं रुकने वाला था, ठीक है, बट ग्राउंड लेवल पे जो नुकसान था उसको कम किया जा सकता था। अब बात वही है, और इन्होंने यही बोला है कि किसी नए लॉ की ज़रूरत नहीं थी, हमने ये नहीं बोला था कि कोई नया लॉ लाओ, बट हमारे जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज है वो एप्ट लॉज है, बिल्कुल सही लॉज है, उनको बस इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से केरला हमेशा हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट कर देता है, ठीक है, केरला हाईकोर्ट ने एक रूल दिया था प्लाचीमाड़ा पंचायत के लिए, तो इस पंचायत का ये कहना था कि कोको कोला की जो कंपनी यहाँ पे एस्टैब्लिश है, ठीक है, उनकी जो फैक्ट्री यहाँ पे एस्टैब्लिश है, उनके वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीट और पोल्यूट हो रहा है, वेल्स ड्राई अप हो रहा है, ठीक है, और एग्रीकल्चर और लोगों के लाइवलीहुड पे इस पर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है इसके वजह से। तो उन्होंने अपील की थी कि कोका कोला का जो है वो लाइसेंस रद्द कर दिया जाए और यहाँ से उनको हटाया जाए। तो कोका कोला का इस पे ये कहना था कि स्टेट अथॉरिटी पंचायत से ज़्यादा बड़ी होती है और हमें स्टेट अथॉरिटी ने लाइसेंस दिया है तो हम यहाँ से क्यों जाए। बट यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला था कि ये एक सिटीजन्स का राइट है, ये ठीक है, ये पंचायत का राइट है देखना कि सिटीजन्स के लिए क्या सही है क्या गलत है, और अगर पंचायत ने प्रॉपर असेसमेंट किया है कि ये पर्टिकुलर चीज़ सिटीजन्स के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है तो ये नहीं होना चाहिए, और ये बोल के कोको कोला का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया था। इसी के बेसिस पे इनका कहना है, गाडगे इनका कहना है कि हमें एज अ सिटीजन हमारे पास जो राइट्स हैं उनका प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, ठीक है, आर्टिकल जो अमेंडमेंट 73rd और 74th अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे पंचायत और अर्बन बॉडीज जो है उनको स्ट्रेंथन किया गया था, उनको फॉलो करना चाहिए, इनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत अच्छा कोट यहाँ पे दिया है कि अभी हम क्या फॉलो कर रहे हैं, अभी हम डेवलप रेकलेसली और कंजर्व थॉटलेसली फॉलो करते हैं, जबकि हमें डेवलप सस्टेनेबली और कंजर्व थॉटफुली फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे बस यही कहना है इनका कि कुछ उन्होंने सेंसिटिविटी के कुछ इंडिकेटर्स भी दिए थे उन्होंने, ठीक है, जैसे कि स्लोप्स होता है या फिर एलिवेशन एरिया होता है, इन साइड पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, इन साइड पर लैंडस्लाइड्स का बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे आप एफॉरेस्टेशन करवा सकते थे, इसको इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन बोल के आप वहाँ के आजू बाजू में जो भी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, हेवी मशीनरीज यूज़ करते हैं लैंड लेवलिंग के लिए, एग्रीकल्चर हो या फिर बिल्डिंग हो या फिर रोड्स बनाने के लिए हो, इस सारी चीज़ों की वजह से लैंड भी क्या है आजू बाजू का वो लूजन अप होता है और लैंड स्लाइड्स के वक्त इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ों को अगर माना होता, ठीक है, और फॉलो किया होता तो जो डिजास्टर्स थे, जो डिस्प्लेसमेंट्स थे, वो शायद कम हो सकते थे। देन हम आते हैं यहाँ पे द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड डेटा पे। अब यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि इंडिया में जो भी इंस्टीट्यूशंस है, अब जैसे कि पहला एग्जांपल इन्होंने IMD का दिया है, ठीक है, डेटा कलेक्ट करना इनका प्राइमरी मैंडेट होता ही है, ठीक है, क्योंकि अगर डेटा कलेक्ट करेंगे फिर उसी के बेसिस पे हम रेन पैटर्न्स होते हैं, डिजास्टर पैटर्न्स होते हैं, उनको मैप आउट कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए रेडी रह सकते हैं। तो ये जो डेटा है, पहली बात तो डेटा की कमी है हमारे पास, वी लैक इन डेटा। IMD के वेबसाइट पे सिर्फ दो ऑप्शन है डेटा के, द करंट वीक्स रेनफॉल नंबर एंड द क्यूमुलेटिव रेनफॉल नंबर। तो हमें डेली, वीकली, मंथली, डिस्ट्रिक्ट वाइज इन सारे डेटास की ज़रूरत है। डेटा जर्नलिज्म भी हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर ब्रांच होती है जर्नलिज्म की, जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल होना ज़रूरी है, और ये जो भी इंस्टीट्यूशन है इनका काम है हमें डेटा प्रोवाइड करना, ठीक है, तो लैक ऑफ डेटा एक प्रॉब्लम हो गया। अदर देन दैट डिले इन डेटा भी यहाँ पे बोला गया है कि जैसे कि माइग्रेशन, ठीक है, 2019
2011 का जो सेंसस डेटा था वो 9 साल बाद रिलीज़ किया गया था, वो 2019 में वो डेटा आया था, ठीक है। तो 2011 से लेके 9 साल के बाद में बहुत सारी चीज़ें हो गई है, बहुत डेमोग्राफिकल चेंजेस आ गए हैं, सिटीज़ में बोलो, रूरल एरियाज़ में बोलो, तो अब वो डेटा क्या रिलेवेंट रहेगा? तो डेटा में डीले हो रहा है, ठीक है। अदर देन दैट डेटा रेगुलरली अपडेट नहीं होता है, ठीक है। अपडेशन का तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हर साल का डेटा हमारे पास सपोजिटली अवेलेबल है बट वो हर साल अपडेट ही नहीं होता है। अब 2017 पे IMD का डेटा जो है वो रुका हुआ है और वो अपडेट नहीं होता है, रेनफॉल डेटा अपडेट नहीं हो रहा है, तो फिर 2019 में हम कौन सा डेटा देखेंगे, राइट। उसके बाद एक और प्रॉब्लम है कि इनफिशियंट रिवीलिंग ऑफ डेटा है, ठीक है, डेटा रिवील नहीं करते हैं पूरा का पूरा। और ये भी यहाँ पे बोला गया है कि गुड क्वालिटी डेटा हमारे यहाँ कलेक्ट होता है, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, प्रॉपर डेटा सेट, सैम्पल सेट्स यूज करके डेटा कलेक्ट किया जाता है, बट वो टाइमली अगर रिलीज नहीं हो रहा है और पूरा अगर रिलीज नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जैसे भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जो हमारा NCRBI है, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो, 2017 से डेटा अब तक रिलीज ही नहीं किया है, तो फिर अभी यहाँ पे क्या रेलेवेंस रह जाएगा, राइट। देन डैशबोर्डाइजेशन एक टर्म बताया गया है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो भी वेबसाइट्स होती हैं उन पे डेटा फ्लैश होता है, ठीक है, कुछ एक दो लाइन में इंपॉर्टेंट बहुत डेटा फ्लैश हो रहा है और फिर उसके बारे में अगर हमें डिटेल में जानना है, डिटेल में डेटा चाहिए, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। तो ये डैशबोर्डाइजेशन में आप क्या कर रहे हो, बहुत आप लाइक बहुत लिमिटेड अट्रैक्टिव सा डेटा दे रहे हो जो बस आपको पॉजिटिवली पोर्ट्रे करता है, पर आप डेटा की कुछ डिटेल्स नहीं दे रहे हो, कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, ठीक है। नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। अदर देन दैट फुल डेटा, अब ये तो है ही, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, हाफ नॉलेज से तो बेटर है आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, तब आप एटलीस्ट ओपन माइंडेड रहते हो हर एक चीज़ के लिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, जहाँ पे डेटा तो ये आया था कि एक भी गर्ल चाइल्ड 3 महीने से पैदा नहीं हुआ है वहाँ पे, ठीक है, नहीं हुई है इन 133 विलेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कंसर्न चल रहा था कि ये इन्फेंटिसाइड है, फिटिसाइड है, क्या हो रहा है, ठीक है। बट वहाँ पे साथ ही में ये भी डेटा था कि 129 जो पेरिफेरल विलेजेस हैं वहाँ पे एक भी मेल चाइल्ड नहीं पैदा हो रहा था। तो क्या ये सही में इन्फेंटिसाइड फिटिसाइड की केस है या फिर ये कोई जेनेटिक चीज़ है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, फिर हम इसमें प्रोब कर सकते हैं ना अगर हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल है। तो वही बात है कि डेटा, ज़्यादा डेटा अवेलेबल रहना, पूरा डेटा होना और डेटा टाइमली मिलना, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को हम गुड डेटा बोल सकते हैं। फिर हम आते हैं वर्ल्ड न्यूज़ की तरफ, मोदी लॉन्चेस बहरेन टेम्पल प्रोजेक्ट। तो मोदी जी इन्होंने बहरेन को विजिट दी थी, ठीक है, और UAE में अभी रिसेंटली रुपे कार्ड भी है जो लॉन्च हो गया है, ठीक है। तो वहाँ पे रुपे कार्ड से आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। देन बहरेन को एक ट्रेडिशनल हिंदू मैरिज के लिए एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रमोट किया जा रहा है, वेडिंग डेस्टिनेशन, ठीक है। और बहरेन में 3,50,000 इंडियन डायस्पोरा है, मोस्टली फ्रॉम केरला, तो ये भी याद रखिए, बहरेन गल्फ कंट्री है। देन CVC सेट्स अप पैनल टू प्रोब बैंक फ्रॉड, ठीक है। तो बैंक फ्रॉड जो भी 50 करोड़ के ऊपर का होगा उसके लिए CVC का एक स्पेशल पैनल बनाया जाएगा, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो उसके बारे में हम क्विकली देख लेते हैं। CVC इज एन एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन एंड इट वॉज क्रिएटेड बाई एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन इन 1964 और 2003 में CVC एक्ट 2003 से स्टेटूटरी स्टेटस भी दे दिया गया था, ठीक है। प्रेजेंटली सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है उसके और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, तो 3 मेंबर बॉडी है ये, ठीक है। और कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी जिसमें प्राइम मिनिस्टर है, यूनियन होम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा है, ठीक है। और 4 ईयर्स टर्म होती है या फिर 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। और ये अपना रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को देते हैं। तो CVC के बारे में आप इतना याद रखिए, सॉरी। देन हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। IMF रिपोर्ट फ्लैग्स सेवरल डिलेज इन इंडिया डेटा रिपोर्टिंग। तो IMF की एक रिपोर्ट है, एनुअल ऑब्जर्वेंस रिपोर्ट ऑफ द स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड ऑफ 2018। और इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया है कि बहुत सारे पैरामीटर्स पे इंडिया का बैकलॉग है। तो ये जो स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड है ये एक मैंडेटरी प्रोसीजर है जिसके अंडर जो भी कंट्रीज हैं, ठीक है, उनको डेटा प्रोवाइड करना है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे डेटा रिवील करना है अपना इकोनॉमी डेटा। और ये इंडिया कुछ कुछ पैरामीटर्स के केसेस में नहीं कर पाया है, ठीक है। और यूजुअली इंडिया कंप्लाइज विद द नॉर्म्स, ठीक है। और IMF ने ये भी बोला कि कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है,
ठीक है, बस इस बार बैकलॉग है, ठीक है, इतना ही है। फिर अभी G7 समिट जो है वो शुरू हो गया है, अब इस न्यूज़ में उतना कुछ नहीं था, हम G7 के बारे में बस देख लेते हैं कि ग्रुप ऑफ सेवन है, ठीक है, इसलिए इसको G7 बोला जाता था, पहले G8 था ये एक्चुअली, फिर रशिया को इसमें से हटा दिया गया था, अभी G7 है। तो कंट्रीज है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड कैनेडा, ठीक है। एनुअली ये लोग मिलते हैं फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी इश्यूज, ठीक है। और इंडिया को इस बार एज एन इनवाइटेड नेशन बुलाया गया था, ठीक है, इंडिया वाज इनवाइटेड, तो उसी के क्योंकि इंडिया इनवाइटेड होने की वजह से ऑन द साइड लाइंस ऑफ G7 इंडिया ने यूके जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, इनके साथ मीटिंग कही, कश्मीर इशू पे ही मीटिंग हुआ है। और जो बोरिस जॉनसन, इन्होंने भी बोला है कि इंडिया और पाकिस्तान को मिलके ये पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना चाहिए, इट इज़ अ बायलैटरल इशू, ठीक है। देन हम जानते हैं कि जो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड जिन्हें बोला जाता है, अमेजॉन फॉरेस्ट, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा स्पोराडिक फायर्स हुए हैं, ठीक है, और 20% ऑफ ऑक्सीजन उन फॉरेस्ट से आता है, और अगर उन फॉरेस्ट को इतना बड़ा धोखा हो रहा है तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उनको यहाँ पे फायर्स को ये करना चाहिए, डिसिपेट करना चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट बस ये है कि जितना ज़्यादा लेट करेगा ब्राज़ील, ठीक है, इस पे एक्शन लेने के लिए और इसको कंट्रोल करने के लिए, चांसेस है कि जो ट्रेड अग्रीमेंट है बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज इंक्लूडिंग ब्राज़ील, जिसको 20 साल लग गए थे निगोशिएट करने में, वो ट्रेड अग्रीमेंट अब नहीं होगा, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन ने ये बोल दिया है कि जो मरकसर ग्रुप है, अब मरकसर ब्लॉक जो है, अब याद रखिए मरकसर ब्लॉक ये साउथ अमेरिकन इकोनॉमिक यूनियन है, एक साउथ अमेरिका की सारी कंट्रीज नहीं है उसमें, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, ऐसी सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इनके साथ ट्रेड डील्स जो है वो नहीं करेंगे, ये बोल दिया गया है। तो दिस वॉज आर लास्ट न्यूज़, आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो, एंड इफ यू डिड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। थैंक यू।